नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो मैं हिंदी में समझाऊंगी आपको, और ये हम एक मेकअप लुक क्रिएट करेंगे जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल लुक है। तो सबसे पहले मैं एक सीरम यूज़ करूँगी अपने चेहरे पे जो मुझे एक नेचुरल ग्लो देगा। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली। फिर मैं अपने होठों को मॉइस्चराइज करने के लिए एक अच्छा सा लिप बाम यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं एक बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ करूँगी जो मेरे चेहरे पर नेचुरल लगे, और मुझे निक्स का ये फाउंडेशन बहुत पसंद है तो मैं इसलिए ये यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। फिर मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कुछ नेचुरल लगे मेरे चेहरे पे। फिर मैं उसके बाद एक सीलर लूँगी जो कि बहुत लाइट वेट हो, बहुत हैवी नहीं हो नेचुरल डे के लिए, उसको अपनी आँखों के नीचे और जो भी मेरी जहाँ पे मुझे लग रहा है डीकलराइजेशन है मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी। अब मैं एक लूज पाउडर लूँगी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, और उसको अपनी आँखों के नीचे हल्का सा बेक करूँगी ताकि वो नेचुरल लगे और ऐसा नहीं लगे कि मतलब सबको इवन आउट कर दे मेरे पूरे चेहरे को, और उसी लूज पाउडर्स को मैं पूरे चेहरे पे लगाऊँगी। कोशिश करें कि आप उसको धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें ताकि पाउडर आपकी स्किन में इंसर्ट हो जाए, सब कुछ नेचुरल लगे। फिर मैं सब कुछ सेट करने के लिए एक मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पूरे बेस को अच्छे से सेट कर सके। अब आईब्रोज़ के लिए मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से एक शेप दूंगी, तो मैं इस बार यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट कॉस्मेटिक की पेंसिल। इसकी जो टिप होती है वो बहुत ही पॉइंटेड होती है और बहुत अच्छी होती है एक अच्छी सी शेप देने के लिए। तो अगर आप बिगनर हैं आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करें, और क्योंकि ये बहुत ईजी होती है यूज़ करने के लिए। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ, उसके बाद मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। आपको अगर नहीं पसंद तो आप मत कीजिए, लेकिन मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो उसको शेप में लाने के लिए मैं कॉन्टोर ज़रूर करती हूँ। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं अपने जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर लगाया है उसको ब्लेंड करूँगी। अब आप चाहें तो ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट मैं ये पार्ट स्किप नहीं करती हूँ। अब उसी ब्रॉन्जर को मैं अपनी आँखों पे लगाऊंगी ताकि वो एक नेचुरल सा ट्रांजिशन शेड मेरी आईलेट्स पे लगे, ऐसा नहीं लगे कि मेरी आँखों की आईलेट्स का कलर दूसरा है बाकी का दूसरा है। अब मैं वाटर लाइन में यूज़ करने के लिए एक कोई भी काजल आप ले सकते हैं, उसको लगा रही हूँ। ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और आपने डिफरेंस देखा काली काजल का और ब्लेंड करने के बाद, यही डिफरेंस होता है। आपको हल्का सा ब्लेंड करना है ताकि वो नेचुरल लगे। अब मैं अपनी आई लैशेस को कर्ल कर रही हूँ और एक वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप ये पार्ट कभी नहीं भूलें अपनी आई लैशेस को कर्ल करने का। फिर मैं एक ब्लश यूज़ करूँगी, आप कोई भी नॉर्मल जो बहुत ही नेचुरल लगे आपके चेहरे पे वैसा ब्लश अपनी स्किन टोन के हिसाब से लगा सकते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, मैं हाइलाइटर कभी नहीं भूलती हूँ, तो मेक श्योर आप हाइलाइटर लगाएं। लिपस्टिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मेबेलिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और लास्ट में सब कुछ लगाने के बाद मैं मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि अब मेरा पूरा मेकअप फिक्स हो जाए। ये था हमारा आज का मेकअप, आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय। Thank you.